हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो आप भैंस देख रहे हैं, बिल्कुल ओनर का कहना है कि बिल्कुल ठीक ठाक थी, चारा भी खाया था मॉर्निंग में, और साथ ही साथ इसको खड़े खड़े अचानक से शूटिंगदार दस्त हुए, और उसके बाद इन्होंने जनरली इसका ट्रीटमेंट करवाया, और साथ ही उसको ट्रीटमेंट रिलीफ ना मिलने की वजह से ये ज़मीन पर लेट गई, और बार बार ये दस्त कर रही है। अगर ऐसे सिम्टम शूटिंगदार दस्त किसी पशु के होते हैं और वो खाना पीना छोड़ देता है और वो सुस्त हो जाता है, तो तुरंत से तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके उसका इलाज कराएं। तो ये साथियों, ये बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। अचानक से एक शौक में जाना पशु का और चारों खाने चित लेट जाना, ये गंभीर बीमारी का आंकड़ा है। और इस बीमारी में साथियों बहुत कम पशु बच पाते हैं। ये साथियों रात्रि का समय केस हमारे पास आया है और यहाँ पर हमने इसको डायग्नोसिस करा है। तो ये साथियों 8 महीने की भैंस प्रेग्नेंट है और इसने साथियों सुबह ठीक थी, चारा खाया था, और दोपहर में इसकी कंडीशन ये बनी। तो इसको इंजेक्शन लग गए, लेकिन इसको रिलीफ ना होने की वजह से साथियों शाम को फिर इसकी तबीयत ख़राब होने लगी। यहाँ पर ये लगातार शूटिंगदार दस्त कर रही है, और जो दस्त होते हैं साथियों, जो डायरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। अगर 8 महीने का कोई भी पशु है और उसको शूटिंगदार दस्त हो रहे हैं और वो करहा रहा है लेटते में, और साथ ही साथ साथियों सच छोड़ के अपने ज़मीन पर चारों खाने चित लेट गया है, तो वहाँ पर बचाना पशु को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का इसका पेट में ब्लॉट नहीं है। साथियों शूटिंगदार दस्त होने का मतलब होता है कि एक विषांगता और शौक के माध्यम से विषांगता पैदा हुई है। इसके आंतों में जो इन्फेक्शन हुआ है, एक टॉक्सीमिया रिलीज़ हुआ है, और टॉक्सीमिया क्या होता है कि सीधे साथियों जानवर के दिमाग पर अटैक करता है। ना इसको किसी प्रकार का सर्रा है, ना कभी इसको साथियों कोई दिक्कत फीवर वगैरह आया, और आज तक इन्होंने पेट के कीड़ों की दवा भी नहीं दी। अगर ऐसी सिचुएशन में साथियों पशु आपका सिम्टम्स आ रहे हैं आपके पशु में, तो यहाँ से बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस कंडीशन में साथियों हम इस बीमारी में कुछ नहीं कर पाते। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।